हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आप लोग को इस वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम बताएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हमारे वीडियो है पार्ट एट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम पार्ट एट। पार्ट एट, ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूल वन में क्या है। जब रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना व्यक्त की गई होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू को विष्ट में बदल कर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है She said to me, May you live long. इसको देखिए इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। She said को किस में बदलेंगे, विष्ट में दैट यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, आई हो जाएगा, आई माइट, मे का माइट हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, He said to me, इसको कैसे चेंज करेंगे, He wished me that, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार I might succeed. इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल देखिए, रूल टू, जब रिपोर्टेड स्पीच में गॉड से शुरू
में गौर से शुरू होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड में PREED प्रेड में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन सेड मे गॉड मे गॉड पर्सन यू मे गॉड प्रॉस्पर PROSPER प्रॉस्पर यू। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, देखिए द ओल्ड मैन प्रेड सेड को किस में बदलेंगे, प्रेड में, प्रेड दैट गॉड माइट प्रॉस्पर यू। देखिए इसमें नोट, देखिए नोट, यदि ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो, यदि ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगा दिया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगा दिया जाता है। गॉड शब्द को दैट के तुरंत बाद कर्ता बना लिया जाता है। चलिए रूल थ्री देखिए, इसमें ये बताया गया कि यदि ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगा दिया जाता है और शब्द को जो है दैट के तुरंत बाद कर्ता बना दिए जाते हैं। जो गॉड शब्द रहता है, गॉड, उसको जो है दैट के तुरंत बाद कर्ता बना लिया जाता है। चलिए रूल थ्री में है, जब रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू हो तो, और उसमें अभिशाप की भावना व्यक्त की गई होती है तो
रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को कर्सेड में, कर्सेड में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड मे द थीप गो टू हिल। इसको देखिए इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन कर्सेड, कर्सेड दैट द थीफ, थीफ माइट गो टू हिल। रूल फोर देखिए, रूल रूल फोर, रूल फोर है जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन, अभिवादन सूचक शब्द जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभिवादन सूचक वर्ड जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आदि शब्दों का, आदि शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया, किया गया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को, तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल, बदल दिया जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन सूचक शब्द जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आदि शब्दों का प्रयोग किया गया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है द बॉयज, द बॉयज सेड टू मी, सेड टू मी गॉड, सेड टू मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, द बॉय सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, द बॉय बिस्ट मी, द बॉय बिस्ट मी द बॉय बिस्ट मी
रिस्पेक्टफुल्ली गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। रोल 5 देखिए, रोल 5 हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट पार्ट है, पार्ट 8 ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, हम बता रहे हैं रूल आप लोग को। रूल 5 है जब रिपोर्टेड स्पीच में अलविदा, जब रिपोर्टेड स्पीच में अलविदा का भाव होता है तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सुकरात सेड टू हिज पुपिल्स गुड बाय, सुकरात बेड हिज पुपिल्स गुड बाय। ये जो है इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगला रूल है रूल 6। जब रिपोर्टेड स्पीच में हैप्पी शब्द के प्रयोग द्वारा शुभकामना दी गई होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को विस्ट में बदल दिया जाता है और आर्टिकल ए के प्रयोग द्वारा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, she said to me happy journey। इसको कैसे चेंज करेंगे? she wished me happy journey। एक और देखिए, they said
हैप्पी दे सेड टू हर हैप्पी मैरिज। यहाँ पे रहेगा दे विश्ड हर आ हैप्पी मैरिज। यहाँ बताया गया है आर्टिकल ए का प्रयोग करते यहाँ पे क्या रहेगा, सी विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी, दे विश्ड हर अ हैप्पी मैरिज। ए ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम हमारे क्या है, लास्ट वीडियो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी है। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।